गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 7.5। वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु, विवेक शेयर लंच। आर्या बॉट टू सैंडविच, वन मेल ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। Other two boys forget to bring their lunch box. Arya agreed to share his sandwich to each person, will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide the sandwich so that the person has to get equal share? Now, what part of sandwich each boy will receive? Now, question में क्या information दिया हुआ है कि Arya, Abhimanyu और Vivek तीनों अपना क्या करते हैं, लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज बॉट टू सैंडविच, आर्या दो सैंडविच लेके आया है। वन मेड ऑफ वेजिटेबल, एक वेजिटेबल का बना हुआ है और एक जैम का। द अदर टू बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, और बाकी दो बच्चे हैं जो लाना भूल गए हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच टू ईच पर्सन, और आर्या है जो अपना सैंडविच को शेयर करने के लिए रेडी। टू एन इक्वल शेयर ऑफ ई सैंडविच, और जितने भी सैंडविच है उसके इक्वल शेयर करेंगे। हाउ कैन आरिया डिवाइड दिस सैंडविच सो दैट इच पर्सन हैज टू हैज एन इक्वल शेयर, व्हिच पार्ट ऑफ सैंडविच ऑफ वाई इच वाई रिसीव। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आरिया विल डिवाइड each sandwich into 3 equal parts। किसमें वो डिवाइड करेंगे, 3 equal parts में। B क्या होगा, each student will get share 1/3 part plus 1/3 part, that is 2/3 part। Now moving to question number 7, Kanchan dyes dresses, she had to dye 30 dress, she has so far finished 20 dress, what fraction of dress has she finished? यानी कंचन को ड्रेस को डाई करना है, उसके पास टोटल 30 ड्रेस को डाई करना है। she has far finished 20 dress, उसने अभी तक 20 ड्रेस कर लिया तो उसे कितना और करना बाकी है। सो टोटल नंबर ऑफ ड्रेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रेस इक्वल्स टू 30। डाइस ड्रेस कितने हैं, 20, और हमें कितना बार द वर्क फिनिश्ड, द वर्क फिनिश्ड कितना है, कितना हो जाएगा, डाई अपॉन टोटल, दैट इज 2/3 part ऑफ वर्क हैज बीन फिनिश्ड। इतना उसने वर्क फिनिश कर दिया। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, राइट फ्रैक्शन ऑफ देम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स।
राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले प्राइम नंबर लिखना है 2 to 12. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से? 2 to 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब हमें क्या लिखना है? फ्रैक्शन लिखना है. फ्रैक्शन किसका लिखना है? प्राइम नंबर्स का. तो हम लोग लिख सकते हैं 3/5, 5/7, 7/11 या 5/11, 3/11. इन दिस मेनर वी कैन राइट द फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर? यहाँ पे प्राइम नंबर कितने हैं? नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर कितना हो गया? 2, 3, 5, 7, 11. कितने हो गए? 5. टोटल नंबर कितने हैं? 11. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर्स फ्रैक्शन विल बी 5/11. क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम हमें इसी तरीके से करना है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 102 से 113 तक हमें लिखने हैं नंबर एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स. तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. अब क्या है? टोटल नंबर कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो टोटल नंबर इज 12. टोटल नंबर इज 12. और प्राइम नंबर्स कितने हैं इसमें? 102 नहीं है, 104 नहीं है, 105 नहीं है, 106 नहीं है, 108 नहीं है, 1010 नहीं है, 1011 नहीं है, 1012 नहीं है. तो 1, 2, 3, 4 कितना हो गया? 4. और नंबर ऑफ प्राइम्स नंबर इज 4. देन their fraction will be 4/12, that is 1/3 in reduced form. Reduced form में क्या हो जाएगा? 1/3. Question number 10.
What fraction of this circle have them X marks on them? Question number 10. Total number of circle is? Total number of circle is 8. And X mark circle have X marks. Number of circle have X marks is 4. Then fraction of circle having X marks is equal to 4 upon 8. Question number 11. Krishna received a CD player for his birthday. She bought 3 CD and received 5 as other gift. What fraction of her total CD did he buy and what fraction she received the gift? Christine, CD bought by Christine, that is 3, gifted to Christine is 5. So total number of CD will be 8. Now fraction of bought CD, that will be 3 upon 8, and fraction of gifted CD will be 5 upon 8. So we have completed exercise 7.1. Now we will move to next topic. Fraction on a number line. Fraction on a number line. Next topic is fraction on the number line. हमें डिस्कस करना है फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन. अब कोई भी पहले हम नेचुरल नंबर ये सब तो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. जैसे यहाँ पे ट्राई दी जाए पेज नंबर 137, वही क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज सो 3 अपॉन 5 ऑन ए
नंबर लाइन, हमें क्या करना है 3/5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन एंड वी विल मार्क जीरो। फर्स्ट यू सी द गिवन फ्रैक्शन वैल्यू लाइज इन बिटवीन जीरो या वन या मोर देन वन। इफ इट इज वन एंड मोर देन वन देन वी विल मोर नंबर, अदरवाइज इफ इट्स लाइन इन वन एंड बिटवीन सो वी विल मेंशन हियर जीरो और वन। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें 3 और 5 का वैल्यू फाइंड करना है। अगर 1 से कम है तो हम लोग नंबर लेंगे 0 और 1, और ज्यादा है तो उसके लिए हम ज्यादा नंबर लेंगे। अब नीचे क्या है 5, तो हमें क्या करना है ये 0 टू 1 को इक्वल्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में। अब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने मार्क्स लगाने होंगे जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में उसमें से माइनस 1 कर दो। 5 - 1 दैट विल बी 4 दैट विल डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सो फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स, फोर्थ मार्क्स, दिस इज 5 इक्वल पार्ट्स। नाउ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 इज इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू रिप्रेजेंट 3/5। सो दिस इज 3/5, व्हाट दिस इज 3/5। Now we will move to next question. So 1/10, 0/10, 5/10 and 10/10 on a number line. हमें किस पे शो करना है इसको, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। वैल्यू हमारा वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो 10 - 1 9, तो हमें 9 मार्क्स लगाएंगे तो 10 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए। इसको हम लोग ले लेते हैं 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1/10, सो दिस विल बी 1/10। नाउ 0/10, सो दिस will be 0/10, this is 1/10, this is 0/10. Now next is 5/10, so 2, 3, 4, 5, this will be 5/10. Now 10/10, this will be 10/10. तो हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये हमने दिखा दिया, यानी जितने भी नंबर्स है उसको हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर्स में है उसमें से 1 माइनस करके हम उतने मार्क्स जो गिवन नंबर है उनके बीच में ड्रॉ कर देंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थ्री? कैन यू सो एनी अदर कैन यू सो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन जीरो एंड वन? राइट फाइव मोर फ्रैक्शंस दैट यू कैन सो एंड डिपिक्ट डिपिक्ट सो एंड depict them on number line, then on the number line. Can you show, can you show any other fraction in between 0 to 1? Write five or more fraction that you can show and more depict on the number line. Yes, we can write and we can show. Just हम ले लेते हैं 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. और इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. जीरो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 that will be equals to 1. This is 1, this is 0. And we have summed the fractions. हमने क्या करते हैं, हमने फ्रैक्शन सो कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी फ्रैक्शन लाइ बिटवीन 0 एंड 1? थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज how many fractions lie between 0 and 1? Think, discuss and write your answer. जीरो और बीच में, यानी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एनी डिनोमिनेटर्स. हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिनोमिनेटर्स ले सकते हैं. तो मीन्स हमारे जीरो और वन के बीच में हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हो जाएंगे. देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन. सो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर. सो टुडे व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एंड वी हैव डिस्कस हाउ टू represent, how to represent fraction on a number line, and we have done
ट्राई दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सोइंग नंबर ऑन द फ्रैक्शन लाइन. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. डू दीज क्वेश्चन इन योर होमवर्क.